नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। बसंत पंचमी का त्यौहार, माँ सरस्वती की आराधना, उपासना का दिन और माँ की मूर्ति बिकनी भी शुरू हो गई है। बसंत पंचमी के अवसर पर माँ सरस्वती, माँ शारदे की सुंदर सुंदर प्रतिमा बिकनी शुरू हो चुकी है। बाजार में एक से एक कलाकृति वाली मूर्ति मौजूद है। यहाँ पे अगर मैं विजुअल के माध्यम से दिखाऊँ तो माँ के तेज, माँ के मुख पे चमकता हुआ नज़र आ रहा है। इस तेज पे इस बारीकी के साथ काम किया गया है कारीगरों के द्वारा और अब ये पूरे तरीके से तैयार हो चुकी है मूर्ति। और जो लोग हैं, जो ग्राहक हैं, वो भी आ रहे हैं। मूर्ति की खरीदारी लगातार चालू है। हम दुकानदार से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं ये जो मूर्ति है किस तरीके से बनती है, कहाँ से लाए जाते हैं और कितने दिन का समय लगा और तब जाकर के ये प्रारूप तैयार हुआ है। दुकानदार से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कैसी चल रही है बिक्री, कहाँ से आई हैं ये मूर्तियाँ और किस तरीके से बनाई जाती है, कितना समय लगता है, कैसी चल रही है बिक्री। बिक्री तो मैडम हम लोग का 2 महीना पहले से होते रहता है, एडवांस बुकिंग पे काम होता है, लेकिन इस बार वैसा कोई रिस्पांस नहीं है। क्या वजह दिखाई पड़ रही है? वजह 26 जनवरी भी है, बच्चे लोग सब स्कूल में व्यस्त हैं, स्कूल में प्रोग्राम वगैरह है, सब में व्यस्त है बच्चे लोग, उसके चलते भी कुछ बाजार थोड़ा सा डाउन हुआ है, लेकिन पिछले बार से थोड़ा स्लो है। पिछली बार से थोड़ा और मंद, बहुत ज़्यादा स्लो है। और बीच में ये कोविड वोविड का फिर हल्ला वगैरह न्यूज में आने लगा, उसमें भी आदमी सतर्क हो गया, इसके वजह से थोड़ा हम लोग भी सतर्क हो गए। कहाँ से आती है ये मूर्ति की? यही बनाई जाती है, मूर्ति यही बनती है। अच्छा। हैंडमेड मूर्ति है, रिसाइकलिंग मूर्ति है, ये पुआल और मिट्टी से बनाई जाती है। अच्छा। ये जस्ट तुरंत आप विसर्जन कीजिए या खत्म हो जाएगी मूर्ति, मतलब पूरे तरीके से पर्यावरण को ध्यान में रखते हैं। बस हाँ, पूरा पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ये मूर्तियाँ बनाई जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इनका कहना था पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जो मूर्ति है उसे बनाया जाता है। जितनी सुंदर ये मूर्ति है उसी तरीके से प्रकृति को भी बिना नुकसान के ये मूर्ति अपने अंदर रख लेती है। माँ सरस्वती का आशीर्वाद दिखाई पड़ेगा इस दिन भी। अगर बात कर दी जाए तो 26 जनवरी के साथ साथ सरस्वती पूजा है और ऐसे में जो बिक्री चल रही है, थोड़ी सी इनका कहना है कि पिछली बार से कम बिक्री हो रही है, लेकिन जो मूर्ति है वो काफ़ी सुंदर आकृति की दिखाई पड़ रही है। बहुत अच्छी उसके मूर्ति के फेस को बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। माँ की मूरत बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रही है। अगर मैं विजुअल के माध्यम से दिखाऊं तो यहाँ पे अलग अलग तरह की माँ की मूर्त और उसके ऊपर जो सजावट है वो दिखाई जा रही है। हर एक मूर्ति एक अलग संदेश उनके फेस पे एक अलग तेज दिखाई पड़ रहा है। माँ शारदे की मूर्ति बिक रही है, बिकनी शुरू हो गई है और सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, खासकर की पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए भी कहना था दुकानदार का कि उन्होंने जो मूर्ति तैयार की है वो पानी में जैसे ही जाएगी वैसे ही वो उसमें विलीन हो जाएंगी, मतलब मिट्टी का और जो पुआल है उसका इसमें प्रयोग किया गया है, पूरे तरीके से पर्यावरण को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा इस मूर्ति के माध्यम से। बसंत पंचमी सामने है और तैयारियां पूरी हो चुकी है। ऐसी खबरों के लिए बने रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा सबरंग समाचार।